बहुत बहुत स्वागत है सभी किसान साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल निम्बाड़ा मंडी भाव पर। दोस्तों देख पा रहे हैं आप गेहूं की आवकें जो दोनों छपरों के बीच वाली जगह है और जो नया बूम बना था वो भी फूल है गेहूं में। और ये जो दोनों छपरों के बीच वाली जगह है लहसुन व मूँगफली के बीच वाली जो जगह है यहाँ पर अभी गेहूँ खाली हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आवके यहाँ पे देखने को मिल रही है। लगभग अभी टाइम हो रहा है 9 बजे का और जो गेहूँ की आवके हैं अगर अभी की हम गेहूँ की कंडीशन आवकों की अगर जाने तो लगभग 6,500 बोरी के प्लस हो चुकी है 9 बजे की आवके। देख पा रहे हैं आप अभी भी ट्रैक्टर वगैरह यहाँ पे खाली हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आवके यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों 6,500 बोरी के प्लस आवके यहाँ पे हो चुकी है अभी गेहूँ की। दोस्तों वहीं लहसुन की बात करें तो लहसुन का जो दूसरे नंबर वाला ये प्लॉट है लगभग खाली पड़ा हुआ है और फर्स्ट नंबर वाले प्लॉट में अभी लहसुन खाली हो रही है। बहुत ही कम आवके लहसुन की आज देखने को मिली है। लगभग 250 से 300 बोरे के समथिंग अभी तक की लहसुन की आवके यहाँ पे दिख रही है। और दोस्तों वहीं मक्के की बात करें तो मक्के में अभी तक की जो आवके में देख के आया था लगभग 2,500 बोरे के प्लस आवके हुई थी मक्के की। और सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में लगभग आवके अभी छपरा फूल हुआ था और अभी माल बाहर खाली होगा। छपरे में लगभग माल आता है 500 बोरी यानी कि सोयाबीन की आवके 500 बोरी के तक हुई थी अभी तक की। और निम्बाड़ा मंडी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आवके हैं गेहूं की। लगभग 6,500 बोरी के प्लस आवके गेहूं में हो चुकी है अभी तक की यानी कि 9 बजे की आवकों की मैं बात कर रहा हूँ। 6,500 बोरी के प्लस हो चुकी है और गेहूं की जब बोली चलेगी 10 बजे तो लगभग 10 बजे की अगर हम आवकों की बात करें तो 10 बजे तक गेहूं में आवके हो सकती है 7,500 बोरी के प्लस। यानी कि देख सकते हैं आप साधन आपके सामने खड़े हैं ट्रैक्टर ये खाली होना बाकी है सभी गेहूं के भरे हुए हैं और देख सकते हैं आपके सामने है कंडीशन बहुत ही ज़्यादा आवके गेहूं में दिख रही है। दोस्तों इसी तरह की जानकारी अगर आप रोजाना पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा यानी कि लाल कलर का बटन उसको आप काला करके पास में एक बनी घंटी को दबा दीजिएगा जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा।